कैमरा सेट करते हैं, लाइटिंग थोड़ा तेज करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री। आज हम लोग का मूड बना है थोड़ा फिशिंग करने का, तो जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए। बाइक मेरे पास है और साथ में अंकुर है, भी है। तो पकड़ना है मछली, ठीक है। तो एक बात है, यहाँ से हम गुजर रहे थे, पहले भी गए हुए हैं कई बार, तो यहाँ पे जो रोड बनी है ना, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो रोड है ना, इस रोड में एक विशेष रोड बना हुआ है, इसको हम ब्रेकरपुर नाम दे दिए हैं। तो जहाँ पे फिशिंग करने जा रहे हैं ना, यही रोड से हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो आगे कुछ विशेष चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आपके लिए सरप्राइज होगी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इस पे आपसे चर्चा करूंगा क्या ये सही है या गलत है। वैसे हम तो जा रहे हैं फिशिंग करने, लेकिन हमको लगा कुछ विशेष है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो चलिए, उससे पहले कि प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या कहता है यार, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नया वीडियो लाऊं तो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। चलिए आपको मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से बाइक, और दिखाता हूँ कैसे क्या रोड में कुछ विशेषता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकर है, ठीक है, फर्स्ट ब्रेकर आपको दिखा होगा। अब 5 मीटर के दूरी पे सेकेंड ब्रेकर है, ठीक है, आप सिर्फ देखते जाइए। अब 15 मीटर के दूरी पे फिर से ब्रेकर है। अब फिर से 5 मीटर के दूरी पे ब्रेकर है, थोड़ा रोड भी दिखाना यार। अब 4 मीटर के दूरी पे ब्रेकर है। एक चीज हमें समझ में नहीं आया, अगर जो इस तरीके से ब्रेकर बनाना था तो रोड ही क्यों बनाया, पहले ही तो सही था। अब ये थोड़ा दूरी है, 20 मीटर के दूरी पे ब्रेकर है, आपको दिखा होगा। ये भी 10 मीटर के दूरी पे है, छोटा सा ब्रेकर था, आपको दिखा नहीं होगा। अब फिर से आने वाली है ब्रेकर, ये ब्रेकर नहीं है, गाड़ी का इंजन शॉट जाने वाला ब्रेकर है, चेचिस जिसको बोलते हैं हम। देखिए छोटा सा गड्ढा है ताकि गाड़ी स्लो हो जाए। एक बात समझ में नहीं आया, इतना जल्दी जल्दी ब्रेकर क्यों है, जब इतना ब्रेकर चाहिए था तो रोड ही नहीं बनना चाहिए था मेरे ख्याल से। गाड़ी बस इतना ज्यादा स्पीड चल नहीं सकती है, गाँव ग्राम है वो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम है इतना भी ब्रेकर नहीं होता है। देखिए लगातार ब्रेकर है, पता नहीं मैं तो गिनती भूल गया, शायद आपको याद हो। देखिए ये चेची सटने वाली ब्रेकर है, तो इसी के चलते इस गांव का नाम हम ब्रेकरपुर रख दिए हैं। तो फिर से आया पर। अभी फिर से वापस ब्रेकर आने वाला है। वाह। लगातार ब्रेकर है, आखिर इतना ब्रेकर क्यों है समझ में नहीं आया। अगर बोलना तो नहीं चाहिए, गांव घर के बच्चे लोग रोड पर रहते होंगे, इसके चलते ब्रेकर इतना होगा। तो ये भी ब्रेकर गई, शायद आपको दिखा होगा, हमें इधर से लेफ्ट लेना है, इसके लिए एक और ब्रेकर आ गया, इसी के साथ एक और ब्रेकर। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या ब्रेकर का स्थिति है। ये फिर से ब्रेकर, और देखते हैं आगे कुछ है या नहीं है, आगे भी होगा ही ब्रेकर। तो एक बात बताइए, इतना सारा ब्रेकर होना जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो गाड़ी जब 5 और 10 के स्पीड में चली, कम से कम जो स्पीड का लिमिट है गांव समाज या ग्रामीण इलाका में, वो कम से कम 20 होता है, 20-25, कम से कम उतना तो चलने जुकुर होना चाहिए था, लेकिन उतना भी नहीं। इससे अच्छा तो पहले टूटा हुआ रोड था, उसमें 30-35 के स्पीड में गाड़ी चलती थी। अभी यहाँ पे नहीं है, अभी इधर का गाँव शायद थोड़ा बहुत समझदार हो, हमें तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है।
तो आदमी आदिवासी रोड बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए फिर से ब्रेकर, तो यहाँ पे ठीक है जायज ब्रेकर है, यहाँ पे मंदिर ये सब है तो होना जरूरत है, क्योंकि वो इससे पहले जो आप देखे इतना उतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्रेकर, मतलब 5 मीटर 10 मीटर के दूरी पे ब्रेकर। चलिए आगे हम फिशिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या सब कुछ है सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से हम लोग मछली, ऑलरेडी मछली होगा तो ऐसे ही लेके चले आएंगे, अगर नहीं होगा तो खुद से मछली पकड़ेंगे। ठीक है चलिए मिलते हैं आगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फाइनली मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो ब्रेकर आप देखे वो ब्रेकर उतना होना चाहिए था क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम फाइनली बड़ैला चौर का तो नाम आप सुने होंगे, उस चौर के आसपास आ चुके हैं। आपको मैं बैक कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे कितना दूरी तक है, हमें पता नहीं कितना दूरी तक के इसका क्षेत्रफल है चौर का, ये सब कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं बैक कैमरा में ओपन करता हूँ। और साथ में एक और चीज, यहाँ पे जो कमल का फूल होता है ना बहुत सारा दिख रहा है, ठीक है हो सकता है तो जाएंगे भी। माई हाथ में चप्पल फिशिंग करेगा फिशिंग, अरे मामा तू अपना चेकअप कहाँ हो, माई हाथ में चप्पल तक पानी खत्म नहीं हुआ है पोखर से, ठीक है इसके वजह से हम लोग जा रहे हैं वापस, कल आएंगे तो खाएंगे मछली। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है, हाय एसपी और चैनल पर न है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तब तक पहुंच पाए।